जिला रामपुर में शाहबाद नगर के मोहल्ला हकीमान में रामलीला रोड पर एक बच्चा भाड़ से निकली हुई राख में झुलसकर जख्मी हो गया। बताया जाता है कि मोहल्ला हकीमान में रामलीला रोड पर भाड़ से निकली राख गरम गरम सड़क पर पड़ी हुई थी कि अचानक एक बच्चा खेलते खेलते राख में घुस गया और जब बच्चा चीखा तब आसपास के लोग दौड़ पड़े, बच्चे को राख से निकाला, लेकिन तब तक बच्चा काफ़ी हद तक झुलस चुका था। आनन फानन में इलाज हेतु मासूम बालक की माता उसे अस्पताल लेकर पहुंची। बच्चे की माँ का कहना है कि हमेशा दुकानदार गर्म राख खुले में डाल देते हैं। मोहल्ले के कुछ लोगों का भी कहना यही है कि भीड़ वाली दुकान के बराबर में स्कूल भी है और उसी रास्ते पर कई और स्कूल के बच्चों का भी गुजर होता है, बच्चों का आना जाना रहता है। कई बार दुर्घटना होने से बची है, लेकिन इस बार मासूम अनजाने में गर्म राख में घुस गया और उसका हाथ और पैर बुरी तरह से झुलस गए। जबकि दुकानदार का कहना है कि वो गर्म राख में पानी डालने के लिए जा ही रहा था कि इतने में बच्चा उस राख में घुस गया। इलाज के लिए दवाई उनने बना के 500 रुपए की भेज दी, बस किसने? अच्छा उसने ही पिट दी। अच्छा अच्छा ठीक है। बच्चे का नाम क्या है? मोहम्मद सुहान। क्या नाम है? मोहम्मद सुहान। ये बच्चा आपका कैसे जला? ये बच्चा हम खेलता खेलता पहुंच गया, उन्हें तो बच्चों के साथ में जल्दी एकदम फौरन ही जल गया एकदम। नहीं, एकदम कैसे जल गया? रात वहाँ बाहर पड़ी थी या अंदर थी? सड़क पर? कुमार के नहीं, ये डाली थी। अच्छा अच्छा तो सड़क पे डाल दी थी, उससे बच्चा जल गया है? सड़क पे नहीं, उधर थी। क्या नाम है आपका? राहुल। अच्छा, राहुल चंद्रवंशी। आपके भाड़ का काम होता है यहाँ पर? अच्छा, तो मैं जैसी परात लेके गया हूँ अंदर को ना, बच्चा आ गया था यहाँ पे। अच्छा, और मैं उधर से पानी लेके आया तो इतनी देर में बच्चा यहाँ पे लेट गया था। अरे, तो उसमें जल गया वो? चल गया था। अरे, काफी जला है क्या? काफी जला। अच्छा अच्छा ये अंकल ये देखने भी नहीं गए थे।